दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सोमवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पुलिस का जमावड़ा देखा गया। मामले की निष्पक्ष जांच कराने, छात्र छात्राओं की सुरक्षा को पुख्ता करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव ने चीफ प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन मृतक छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच कराए, साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। जबकि एसपीसीटी सोनम कुमार ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता अमन यादव और एसपीसीटी सोनम कुमार ने कहा, किनारे आ जाओ, किनारे मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब है। एक बार आप मुझे वार्ता करें, हम फोन कर अभी थोड़ी देर डॉक्टर का कोई गेट रोक करना है। हाँ, गेट पे चलिए, वहीं पे हो जाएगा फोटो। मैं चाहता हूँ कुलपति से वार्ता हो जाए। कुलपति सर वो डिपार्टमेंट का है इनके, वहीं गेट पे जो है डॉक्टर वहीं बात कर लेंगे, डॉक्टर वगैरह वहीं पे जो भी होंगे। ज्ञापन देना है, सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, प्रकार लोग पद पे बने हुए अभी भी उनको प्रकल्प किया जाए। फिर जाती है देना है सुरक्षा के संबंध में, और जो लोग पद पे अभी बने हुए हैं, भूमि है, मुकदमा है, उनके बर्खास्त कर बात करिए, मुलाकात करा दे, मैं चार बता ही रहा हूँ, दो मिनट वार्ता करा दे, मैं उनसे वो बात कर दो। क्यों मिलना नहीं चाह रहा है आराम से वो करें, लेकिन डेलीगेशन के साथ बैठ के एक वार्ता करें। छात्रों को आपके साथ
अमन यादव छात्र संघ अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में जिस तरह से एक छात्रा की आत्महत्या या हत्या जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। अधिकांश लोग आशंका जता रहे हैं, खुद नगर विधायक जो एक डॉक्टर भी रह रहे हैं उन्होंने भी आशंका जताई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दबाव में बनवाया गया है, जबकि ये हत्या है। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी विभागाध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। साथ ही विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य होने के कारण छात्रा को परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग किया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएँ, CCTV फुटेज को बढ़ाया जाए, कैमरे को लगाया जाए और गार्डों की नियुक्ति को बढ़ाकर कम से कम सुरक्षा का एक वातावरण बनाया जाए। जिस तरह छात्रों में भय का माहौल बना हुआ है, कुलपत खुद आ करके छात्रों को आश्वस्त करें कि विश्वविद्यालय पूरी तरह से आपके लिए सेफ है। देखिए, इसमें हमें सूचना मिली थी 31/7/2021 और तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे थे। फील्ड यूनिट को बुलाया गया था, CEO और SHO स्वयं घटनास्थल पर मौजूद थे। इसके पश्चात हमने इसके पोस्टमार्टम एक पैनल ऑफ डॉक्टर के थ्रू कराया और उसमें वीडियोग्राफी भी की गई। उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली और घरवालों की जो लिखित तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है। आगे विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है, इसमें फॉरेंसिक और SWOT और सर्वेलेंस की टीम को लगाया गया है और हम CDR एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। इसके सारे जो भी घटना से हुए लोग हैं, जो भी आसपास उसके मित्रगण हैं, सबसे बातचीत की जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि घटनाक्रम क्या रहा था। जैसे ही हमें कुछ मिलता है हम आपको सूचित करें और जो भी अगर दोषी पाया जाता है कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। मुकदमा हमने कैंट थाने पर घर वालों की लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया है।